हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मेरे पास एक प्रॉब्लम आया है जिसको मैं आपको बता दूँ। पेन ड्राइव लगा हुआ है, देख सकते हैं। जैसे ही इसमें सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए स्टार्ट करता हूँ, ये फॉर्मेट वाले प्रोसेस में जाता है, पर जहाँ पर से विंडो ओपन होना चाहिए उसके बाद ये विंडो ओपन होता नहीं है और सडनली लैपटॉप बंद जाता है, सिस्टम बंद जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूँ पूरा डिटेल में। ये सिस्टम चालू हो गया, मैं बूट मेनू में जा रहा हूँ। देख सकते हैं बूट मेनू में जा रहा है, एफ1 दबाए। यहाँ पर सिस्टम को सिलेक्ट किया, ये फॉर्मेट वाली प्रोसेस में अब जाना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्मेट वाले प्रोसेस में जा रहा है। तो मैं आपको वेट करके बता देता हूँ आगे होता क्या है ना। ये देख सकते हैं सिस्टम चालू है, पेन ड्राइव लगा हुआ है, ये फॉर्मेट वाले प्रोसेस में, ये देख सकते हैं फॉर्मेट वाले प्रोसेस में जाने के समय सिस्टम बंद हो गया। तो इसमें मैंने चेंजेस क्या क्या किया है ना, तो दोस्तों देख सकते हैं ये फॉर्मेट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैंने मदरबोर्ड बदल दिया, रैम बदल दिया, प्रोसेसर बदल दिया, हार्ड डिस्क सब बदल के देख लिया। और इसका जो सॉल्यूशन था दोस्तों, मैं आपको बताऊं वो है क्या, वो है कि ये साटा केबल। आप ये एक साटा केबल चेंज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे टाइप का बेवकूफ़ी ना करिएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।